हेलो शॉपर्स, वेलकम टू टेक शॉपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपकी सेल छूट चुकी है बिग बिलियन डे सेल, जैसे अमेज़न की गेट इंडियन फेस्टिवल सेल, बड़ी बड़ी सेल्स के बड़े बड़े ऑफर्स, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लिपकार्ट अमेज़न की अपकमिंग सेल्स, जो कि आपको अक्टूबर 2023 में देखने को मिलेगी, और कहाँ पर आपके लिए बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। कुछ यहाँ पे जो है नवंबर में भी आएंगी, तो सब कुछ जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन सी सेल्स अक्टूबर बचे हुए अक्टूबर में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे आपके बड़े पैसे बच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है किसी प्रोडक्ट सर्विस को लेके, किसी भी तरीके का डाउट हो, तो उसको अपने तक मत रखें, नीचे जो कमेंट बॉक्स में उसको अच्छे से लिखें, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करें। अगला Q&A आएगा, तो उसमें भी हम जो है उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर देना, और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना फॉर फ्रेश अपडेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे बहुत सारी ये कह सकते हो सेल्स अभी भी देखने को मिल जाएंगी। एट प्रेजेंट अगर बात कर ले तो बिग बिलियन डे सेल के बाद एक ये सेल है फ्लिपकार्ट पे, ग्रैंड फेस्टिव डेज, यानी 16 से लेकर 20th अक्टूबर तक ये चलेंगे। तो ये जो है अभी फ़िलहाल लाइव हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पे सेल्स के बारे में वेट कर रहे थे कि हमें कोई सेल देखने को मिल जाए, तो ये सेल ये कह सकते हो एज अ टाइम पास सेल जो है फ्लिपकार्ट की तरफ से लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आपको बहुत ही ये कह सकते हो कम ऑफर, लगभग चीज़ें नॉर्मल प्राइस पे ही देखने को मिल रही है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा, तो अगर यहाँ पे हमें नॉर्मल प्राइस पे चीज़ें देखने को मिल रही है, तो हमें बेस्ट चीज़ें कहाँ पे देखने को मिलेंगी और कितना डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, क्या क्या आपको जो है यहाँ पे ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ जो है डिटेल में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ये है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बता दें कि यहाँ पे बहुत सारी सेल्स जो है ऑलरेडी आने वाली है, जैसे कि आप सब जानते हो कि दशहरा सेल हो गई, दशहरा आने वाला है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको दबा के यहाँ पे सेल्स देखने को मिलेगी। अभी एक तो जा चुकी है सबसे बड़ी, अब जो है उससे छोटी एंड उससे छोटी वाली आएंगी। पहली सेल की बात कर लेते हैं, बिग दशहरा सेल, तो ये सेल आपको रिसेंटली ही देखने को मिल जाएगी, 20 अक्टूबर के बाद ये अनाउंस हो सकती है, और इस सेल में आपको जो है अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। स्मार्टफोन्स की बात कर ले, अगर लैपटॉप्स की बात कर ले, अच्छे ठीक ठाक डिस्काउंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हो और मिस हो गया है बिग बिलियन डे सेल में किसी भी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और बन सकती है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन जो है थोड़े सस्ते में खरीद सकते हो, कार्ड ऑफर वगैरह लगा सकते हो, अच्छा कार्ड ऑफर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ओवरऑल ये कह सकते हो सेविंग आपकी जो है हो जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं कुछ और सेल्स की, जो कि आपको देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट पे ही। बहुत ही जल्दी ये सेल्स भी आने वाली है, और आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट, दशहरा सेल से भी ज़्यादा डिस्काउंट्स आपको इन सेल्स में देखने को मिल सकते हैं। अब ये सेल कौन सी होने वाली है, तो देखो आपने दिवाली सेल का तो नाम सुना ही होगा, तो दिवाली सेल भी आपको बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट की तरफ से देखने को मिल जाएगी, और इसके बैनर्स भी आपको बहुत जल्दी जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये कह सकते हो कि दिवाली सेल में क्या है कि आपको जो है बढ़िया डिस्काउंट के साथ साथ, ये कह सकते हो बिग दिवाली सेल के नाम से ये सेल आएगी। इसमें क्या होगा, कार्ड ऑफर अच्छे देखने को मिल जाएंगे, नो कॉस्ट EMI, एक्सचेंज ऑफर, और ये कह सकते हो कि हर एक तरीके के ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे खासे ये कह सकते हो आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। ये सेल जो आएगी इस बार नवंबर के स्टार्टिंग में आ सकती है, क्योंकि दिवाली 12 नवंबर को है, तो 12 नवंबर से पहले ही आपको ये सेल देखने को मिलेगी, और कम से कम एक हफ्ता पहले देखने को मिल जाएगी, तो ये कह सकते हो कि यहाँ पर आपके ऑफर्स जो है लग जाने वाले हैं। तो ये दोनों सेल्स तो आपके काफ़ी टेंशन जो है ख़त्म कर देगी डिस्काउंट लेने की। जो भी आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा बिग बिलियन डे सेल छूट गया, मेरे को जो आईफोन लेना था 50,000 से नीचे लेना था, अब मिलेगा कि नहीं, देखो हो सकता है आपको 51,000 का देखने को मिल जाए, बट यहाँ पे आपको डिस्काउंट ज़रूर से देखने को मिलेगा। अभी देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अमेज़न की सेल का भी वेट कर रहे होंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है वो लगभग अनलिमिटेड ही चल रही है, ये कह सकते हो काफ़ी दिन और चलेगी, और फिर जाके अमेज़न सडनली उसको बंद करेगा। अभी फ़िलहाल के लिए उस पर कार्ड ऑफर भी लग रहे हैं, बट जो चीज़ें हैं वो अब सेल वाले प्राइस पे नहीं मिल रही है, अब आपको जो है चीज़ें काफ़ी बड़े हुए प्राइस पे देखने को मिल रही है। तो अमेज़न जो है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल एक बार फिर से लेके आने वाला है, जो कि दिवाली स्पेशल होगी, और यहाँ पे आपको ऑफर्स तगड़े देखने को मिलेंगे। दोबारा से ये कह सकते हो 2 से 3 दिन के लिए अच्छे ऑफर्स देखने को मिलते हैं, इसके अलावा जितने भी दिन सेल चलती है वहाँ पे आपको नॉर्मल प्राइस पे ही चीज़ें पहुँच जाती है, एंड जो कार्ड ऑफर जस्ट लग रहा होता है। तो आपको जब भी शॉपिंग करनी है थोड़ी स्मार्टली करनी है, कोशिश करें कि पहले 1-2 दिन में कर ले तो ज़्यादा बेटर रहता है, आपको ज़्यादा
प्राइस कट्स के साथ साथ ज़्यादा कार्ड ऑफर वगैरह के सारे ही ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू आने वाले दिनों में। ये कह सकते हो कि ये सेल्स भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। तो ये कह सकते हो कि सेल्स एंड ऑफर सारे साल नहीं ख़त्म होते, ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल बनाता सेल की, सब कुछ छूट गया आपका, मतलब कोई भी चीज़ नहीं रही, तब भी ये सेल आपको आने देखने को मिलेगी जिसमें आपको स्मार्टफोन पे 4 से 5 रिंग्स देखने को मिल जाएंगी। इसमें भी आप जो है काफ़ी अच्छा काम कर सकते हो, आपको काफ़ी यहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे एंड आपको नो कॉस्ट ईएमआई एक्सचेंज ऑफर कार्ड ऑफर वगैरह लग जाएगा। तो ओवरऑल ये कह सकते हो कि ये भी सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है हो जाती है। अब आप कह लेते हैं एक और सेल की जो कि आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, ये मिलेगी अमेज़ोन पे। तो अमेज़ोन पे भी बहुत सारे लोग आप जानते हो कि शॉपिंग करते हैं, अमेज़ोन की जो शॉपिंग क्वालिटी है वो फ्लिपकार्ट से कहीं ये कह सकते हो डिलीवरी के मामले में ज़्यादा अच्छी ही रहती है। वहीं अगर बात कर ले ऑफर्स के बारे में, ज़्यादा वैरायटी के बारे में, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अमेज़ोन। तो ये कह सकते हो कि फ्लिपकार्ट का जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं फैबकॉन फेस्ट के बारे में, जो कि आपको अमेज़ोन पे ये सेल देखने को मिलेगी। स्मार्टफोन्स पे आपको अच्छी डील्स देखने को मिल सकती है, बढ़िया आपको जो है डिस्काउंट ऑफर वगैरह जो है यहाँ पे दिए जाएंगे। और यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो मतलब प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो कि आपको बिग बिलियन डे सेल या इनकी जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल होगी, बड़ी बड़ी सेल्स में स्मार्ट नहीं बिकेगा, यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। होपफुली चीज़ें आपको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि कौन सी बेहतरीन सेल्स जो है आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग टेक शॉपर। थैंक यू सो मच।